चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्या है ये चैप्टर नंबर? प्रोग्रामिंग इन स्केच। ठीक है, स्केच के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ये आपका ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप लोग छोटा छोटा एनिमेशन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, स्केच में। और अभी हम लोग जिस पे काम करेंगे, देखो आपके स्केच के 4 वर्जन है आपका। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्केच 2.0। कौन सा? स्केच 2.0। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कहाँ जाना रहता है, क्या करेंगे। देखो यहाँ से, देखो एक तो आपको देखो यहीं पे मिल जा रहा है स्काई करना, स्केच दिख रहा है ना? यस सर, ये है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट पे जाइएगा। स्टार्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना स्केच 2, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, स्केच प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो अब हम देखो इसको शेयर कर देते हैं आपको, स्केच प्रोग्राम को। अब दिख रहा है? यस सर। अब चलो देखते हैं, अब कुछ कुछ चीजें हम लोग इसमें देख लेते हैं करके, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो अब ये जो होता है ना बेटा आपका, ये कहलाता है स्प्राइट। क्या कहलाता है ये? स्प्राइट। स्प्राइट कहलाता है। ठीक है, अलग अलग स्प्राइट भी आप हम लोगों ने बनाया था। हाँ, किस नाम से बनाया था? फाइल कुछ याद? ये असल में प्रोग्राम हमने चेंज कर दिया। हम लोगों ने पहले क्या हुआ था ना कि स्केच 3 यूज किया था। रुको दिखा रहे हैं, वो अलग कौन सा था? आपकी जो बुक में दिया हुआ है ना वो थोड़ा अलग दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको, इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे ना वो हम लोग इस वाले पे कर रहे थे। रुको दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट बेटा, अभी चेंज कर रहे हैं ना, स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। देखो जो पहले वाला हम लोगों ने बनाया था वो इस पे बनाया था ना? ठीक है, मगर जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना वो 2 पे ही दिया है, तो हम 2 पे ही आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ठीक, नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो देखते हैं। देखो अब ये दिया हुआ है ना, इसमें देखो हम लोगों ने जो मोशन वाला करके देखा था, मोशन वाला इसमें भी दिया हुआ है। और उसमें क्या हो रहा था, जितनी भी आपके स्क्रिप्ट थे सब अलग अलग थे, इसमें देखो सब यहीं पे दे दिया है एक बार में। जो भी जिस पे आप क्लिक करोगे सब एकदम सिंपल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स। क्या कह रहे हैं, अगर ये जो कैट वाला है इसके अलावा अगर आप किसी और भी स्प्राइट को ले आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे। चलो, यू कैन ऐड मोर देन वन स्प्राइट इन अ स्केच प्रोजेक्ट। कह रहे हैं जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप एक से ज्यादा स्केच स्प्राइट भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं चलो देखते हैं। ईच स्प्राइट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट एरिया using the green flag, ठीक है, button, you can run all the script at the same time. देखो ये जो green button रहता है ना इसमें, ये operation, sorry, ये green button है ना? Yes sir. जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अभी ये cat है, हमने एक dog भी लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे एक और आदमी भी लगा दिया, फिर हम चाहते हैं कि उन सब पे जो भी स्क्रिप्ट हमने लगाई है वो सब के सब एक साथ काम करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन जो आपका फ्लैग है उस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सब चीजें याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन स्केच यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते जाइए, बताते जाइए, तो वही वही हम लोग करेंगे। चलो कौन पढ़ेगा? हर्ष पढ़ेंगे। चलो हर्ष, हाँ वन से Open state and delete the cat sketch from the state, लिखा हुआ है वो sprite from the state, ये state है ना, इसमें कहना है कि क्या करना है बताओ सर, डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करते हैं इससे, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसी जो कैट स्प्राइट है, राइट क्लिक करके डिलीट क्लिक कर देंगे। देखो हट गया ना? यस सर।
अब आपका स्पेस क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। एड अ हाँ पढ़ो आगे। आप किसी का भी सर, किसी का भी ले सकते, डॉग कैट एड लिखा है ना सर इसमें। चलो एड देखो, एड करना है अ वेरी एंड काई स्प्राइट एट अ बैकड्रॉप ऑन द स्टेज एज शोन इन फिगर 8.1। क्या ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, इसमें ऐड करना है। देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये क्या है, सी के बैकग्राउंड फ्रॉम लाइब्रेरी, ये क्या है आपका, ये किस लिए है, पेंट करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो, ये क्या है अपलोड बैकड्रॉप, यहाँ पे अगर कोई फोटो लेकर के आप करना चाहते हैं सब के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पहले जैसे इस वाली में आप देखिए तो पीछे बैकग्राउंड बना हुआ है ना घर की तरह, जहाँ दो कार्टून बात कर रहे हैं वहां पे देखो घर की तरह पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है ना, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो कहीं दिख रहा है क्या, किस तरह का लेना, सब अलग अलग है कि नहीं है। यस सर। नहीं है बताओ सर, ये वाला कौन वाला बताओ ना, बोलो। फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट कहाँ है फॉरेस्ट सर, और नहीं। ये नो नो सर। हाँ देखो ये तो आपके वही बुक वाला मिल गया ना, चलो तो यही ले लेते हैं, ठीक, ये ले लिया ना, यस सर, इसको कर देते हैं, ओके आ गया, यस सर, सेम आ गया ना। फिर क्या कर रहे हैं, यस सर, अब हम लोग को यहाँ पे स्प्राइट्स ले आने हैं, तो अब स्प्राइट्स कहाँ से आएंगे बेटा, देखो यहाँ से न्यू स्प्राइट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, यस सर, चूज़ ए स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, तो यहाँ से हम लोग लाइब्रेरी से चूज करेंगे अपने स्प्राइट्स को। चलो आ जाते हैं, किसको किसको लेना हम लोग को सर, छतरी वाला ये लेना है ना, यस सर, यस सर। चलो देखते हैं, देखो ये गोला गोला घूमने लगा ना, ये टाइमर होता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो इसको ला लिए, ठीक। अब इसकी लोकेशन चेंज करने के लिए सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ पे इसको छोड़ दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लेना है हम लोग को, एक और स्पाइक लेना है, इसका क्या नाम है, काय नाम है, काय। अब इसको काय को भी लेना है, यहाँ से आ जाते हैं, देखो काय कौन है, काय से नीचे, चलो चलते नीचे। बताना मिला, नो सर, हाँ मिल गया सर, काई कहाँ है, की के बगल में, ये है ना, इस पे क्लिक किए और यहाँ पे चेक कर दिए, ओके आ गया ना, तो ये तो टेबल पे चढ़ के बैठ गया, इसको हम लोग इसकी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक ऐसे कुछ दिया हुआ है ना आपकी बुक में भी, सेम इसी तरह है ना। तो चलो ये दो लोग हो गए, इन दोनों का कन्वर्सेशन कराना है, आप क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर अ वेरी स्प्राइट एज शोन इन फिगर 8.2। कह रहे 8.2 पे जाइए फिगर, और देखिए इसमें हम इन लोगों ने सबसे पहले पहले क्या लिखाया हुआ है, सबसे पहले एक्शन बटन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, इसमें व्हेन क्लिक ले लेते हैं यहाँ पे मोशन, देखो सबसे पहले ये ले आएंगे, जब हम क्लिक करेंगे तभी ये चले, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं किसको पहले, देखो इसको चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे, अभी ये काई सिलेक्शन देखो इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये कौन हो गया, अवेरी हो गया ना, इस पे देखो जिसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उस पे क्लिक करेंगे, देखो इस पे क्लिक के देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ से ले लेते हैं, सेम टू सेम अपनी बुक की तरह हम लोग बनाएंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद अपने मन से बनाएंगे, पहले व्हेन क्लिक, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तभी ये सारा स्क्रिप्ट चलेगा, क्या कर रहा है, हेलो काय, तो क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमको, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, हेलो हेलो लेना, देखो ये सेम वाला मिल रहा है ना, दिखा, यस सर, तो सेम हेलो, अब इसका काय का नाम भी देना है ना, तो क्या करेंगे इसी पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एरो बटन से आगे, या तो देखो हेलो, अब स्पेस कैपिटल के ए आई,
कितनी देर तक ये हेलो बोलेगा? यस सर। देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, कितनी देर तक बोलना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड तक। तो यहाँ से ले लेते हैं, देखो इस पे जो 0 2 सेकंड लिखा हुआ है ना, इसको 2 सेकंड रहने देते हैं, ठीक है? यस सर। 2 सेकंड इसको रहने देते हैं। हेलो, अब अगला क्या कह रहा है बेटा? वेट 1 सेकंड। इसके बाद क्या करना है? कंट्रोल्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लेना है? वेट 1 सेकंड। 1 सेकंड तक वेट करना है किसका? ठीक है, इसको भी लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखो हम लोगों ने, अब क्या, अब कौन वेट करेगा? कौन? काई। अब देखो दोनों को एक साथ बनाना पड़ेगा। देखो अभी हम इसको हटा रहे थोड़ी देर के, इसको हम हटा ले रहे हैं, ठीक है? देखो जब ये हेलो बोलेगा तो फिर काई भी तो कुछ बोलेगा ना। अब देखो पहले एक साथ दोनों बनाने के लिए पहले हम लोगों ने इसका बनाया अवेरी का, फिर यहाँ से आ जाते हैं काई पे, तो काई को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आ जाए यहाँ से, कि जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब ये होगा, ठीक? फिर उसके बाद इसको हम लोग ले लेते हैं, ये पहले जब 2 मिनट 2 सेकंड तक तो वो क्या करेगा? बोलेगा ना, हेलो बोलेगा काई को, तो उस टाइम काई को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा ना कि तुरंत बोलने लगे वो भी? नो सर, वेट करना है, तो यहाँ से वेट करना पड़ेगा, वेट कराना पड़ेगा। कितनी देर तक? 2 सेकंड तक। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और जितनी देर के उससे हेलो बुलवा रहे हैं उतनी देर तक यहाँ पे इसको वेट कराएंगे, तो ये करिए 2। ये हो गया ना, क्लियर? अब देखो अब क्या कह रहे हैं, अब देखो फिर अब काई भी हेलो बोलेगा, तो ये ले लेते हैं, चलो हेलो ले लेते हैं इसको। चलो हेलो 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 किसमें है? ये है बुक्स में, हेलो। अब इसका भी नाम दे दिया जाए, क्या आपके बुक में तो नाम नहीं दिया है, मगर हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? यस सर। चलो ये इसका नाम हो गया। कितनी देर तक ये हेलो बोलेगा? 2 सेकंड तक, ठीक? अब देखो जब 2 सेकंड ये बोल रहे हैं तो फिर 2 सेकंड इनको भी वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। चलो यहाँ से भी ले लेते हैं वेट फॉर 2 सेकंड। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक? अब हो गया ना, ये दोनों लोग का, अब दोनों लोग एक दूसरे को हेलो बोल लिए, ठीक? अब चलो चलते हैं, अब क्या करना है भैया? अब चलो अब कुछ चेंज कराना है लोग से। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लिखा हुआ है, ठीक है? देखो मोर ब्लॉक, सॉरी हुआ है ये वाला, एक ये आ गया नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ठीक है? चेंज होगा इनका कॉस्ट्यूम, ठीक है? कितनी देर के लिए? फिर अब उस पर क्या लगाना है हम लोग को? क्या लगाना है? अब वेट फॉर 3 सेकंड, क्यों? ले आते हैं, ले आते हैं, एक ये रहा कंट्रोल, वेट फॉर 3 सेकंड, एक 3। अब क्या करना है? ऐसे आ जाते हैं इस पे। अब ये क्या करेगा उस टाइम पे, जब ये कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लेगा तो उसके बाद ये भी वेट करेगा। चलो वेट कराते हैं इनको भी 1 सेकंड के लिए, ठीक है? नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट क्या है बेटा? Yes, sir. Think, think, सोचेगा ना, think. कैसा लग रहा है ना? Think आया, ये रहा think. कितनी देर तक think करना है इसको? 2 सेकंड तक सोचना है, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले लगा लेते हैं, अब इसको वेट वाला भी लगा लेते हैं यहाँ से। वेट फॉर कितना देर है ये? 3 सेकंड तक, तो यहाँ से ले लेते हैं 3। ठीक, फिर क्या कह रहा है? से रशिया, लुक से क्या लिखना है यहाँ पे? रशिया। हम अभी पूरा सेम तो हम आपकी बुक की तरह ही कर रहे हैं, ठीक है? बाद में फिर हम लोग एक नया अपना बनाएंगे और अच्छा सा, ठीक है? चलो ये हो गया, और ये साइड पे आ जाते हैं फटाफट से। वेट फॉर 1 सेकंड हो गया। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है इससे,
देखो ये सारे ब्लॉक क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं जैसे आप इस पे वो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे क्या लिखते हैं, नेम लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कितनी देर तक ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको हम लोग ले लेते हैं 4 सेकंड तक, ठीक, 4 सेकंड, या इसको ले लेते हैं 3 सेकंड, थ्री ही ले लेते हैं, चलो 43 हो गया। चलो इसको पहले हम लोग 3 कर देते हैं, ठीक है, सब जा रहा ना। The largest world, question mark, ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है, अब इसके बाद ये देखो next और क्या दिया हुआ है, wait for 8 seconds, 8 seconds तक wait कर रहे हैं, ठीक है, चलो वो भी लगाते हैं, कंट्रोल्स पे जाएंगे, वेट फॉर 8 सेकंड, यहाँ से ले लेते हैं 8, ठीक। नेक्स्ट, शी ब्रिलियंट, ये जब वो सही आंसर बताएगा तो ये क्या बोलेगा, वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ब्रिलियंट नहीं लिखेंगे, हम लोग वेरी गुड लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। कितनी देर तक, 2 सेकंड तक लिखना है। देखो हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों को ये वाला लगाना चाहिए था, तो ये वाला हम यहाँ से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है ना डिलीट करना। अच्छा वेरी गुड, 2 सेकंड तक हो गया, हो गया कंप्लीट, हो गया दोनों का। यस सर, हो गया ना। यस सर, चलो देखो इसका भी मैच करा लेते हैं, सब सेम है और इसका भी सब सेम है, अब क्या करेंगे, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन टू एग्जीक्यूट बोथ स्क्रिप्ट एट द सेम टाइम, यू विल ऑब्जर्व दैट द स्प्राइट्स विल स्पीक टू ईच अदर, चलो करके देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से इसको चलाते हैं, देखो हेलो काई बोला ना, फिर क्या कह रहा है, हेलो एवरी, फिर क्या कह रहा है, अब देखो आप क्या कह रहे हैं, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो कह रहा है अब ये सोच रहा है क्या है क्या है क्या है, रशिया बताया ना, यस सर, ये क्या बोलेगा, वेरी गुड, देखे चल गया कि नहीं चल गया, सब सर ये अपने आप बोल रहे हैं, हाँ देखो जितनी बार भी इस पे क्लिक करोगे दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले तो अपना वीडियो भी ऑन कर रहे हैं। नो सर, समझ गया, चल गया ना। यस सर, अब आप लोग एक नया प्रोजेक्ट इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं, यस सर, यू कैन, अब देखो नोट में क्या लिखा हुआ, यू कैन ऐड More blocks in the script to increase the conversation. कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग और बात करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, और स्पाइस ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इसमें हम लोग कर देते हैं हाउ आर यू और फाइन लगा देते हैं, कैसे लगाएंगे, अब देखो ये हो गया ना हेलो काई वाला हो गया, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है इसके पहले हम एक और लगाते हैं, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग, देखो ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से पहले यहाँ पे लगा देते हैं, देखो ये जैसे ही ले जा रहे हैं, देखो यहाँ व्हाइट व्हाइट आ रहा है कि नहीं दोनों के बीच में, दिख रहा है, यस सर, ये यहाँ पे इसको छोड़ दिए, छोड़ दिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू, 50 सेकंड तक, 2 सेकंड तक, अब ये इसका आंसर देगा ना, चलो आंसर देने के लिए हाउ आर यू ये हो गया, उनसे पहले चाहिए ना, कहाँ पे चाहिए ये, एक यहाँ पे चाहिए तो ले लेते हैं, चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं फाइन, है ना, फाइन, ये भी हो गया 2 सेकंड के लिए, ठीक, अब इसको वेट भी कराना पड़ेगा,
है नहीं? चलो इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद इसको वेट कराना पड़ेगा। कितनी देर के लिए वेट कराना पड़ेगा? 2 सेकंड के लिए बोल रहा था ना वो, 2 सेकंड इसको वेट कराना पड़ेगा। टू लिख देते हैं, ठीक। अब चलो क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी वेट कराना पड़ेगा इसको 2 सेकंड के लिए। तो चलो फिर चले आते हैं, तो फटाफट चले आते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वेट फॉर 2 सेकंड, क्लिक टू, ये हो गया। अब चलो एक बार इसको शुरू से करके देखते हैं। तो ये हो गया, हेलो काय, हेलो हाउ आर यू, फाइन, ठीक है ना, बहुत आसान है कि नहीं है? यस सर। इसी तरह से करके आप लोग सेकंड रुकेगा ना, 2 सेकंड, जितने सेकंड हम लोगों ने बोला ना उसमें सेकंड तक ये रुक जाएगा। अब आप लोग देखिए कि एक चीज इसमें गड़बड़ हो रही है। जैसे ये देखो सही लग रहा है, यहाँ पे भी सही लग रहा है। अब जैसे ये अभी हाउ आर यू पूछा, अब ये फाइन भी सही है यहाँ पे, ठीक। मगर जैसे ही ये पूछना शुरू कर रहा है वैसे ही ये सोचना शुरू कर दे रहा है। ये थोड़ा सा और लेट कर देना कि जब पूरा क्वेश्चन बोल ले तब ये बोले, है ना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेट फॉर 2 सेकंड है ना, इसको हम लोग कर देते हैं 3 सेकंड। 3 सेकंड तक ये वेट करेगा, तब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा गैप आता है कि नहीं आता है, चेक करो। हम लोग तुरंत तुरंत इसको सही कर सकते हैं। अब सही लग रहा है ना? अब जब उसके क्वेश्चन, जैसे ये बहुत देर में रसिया बता रहा है तो ये भी आपको सही कर रहा है, तो कैसे सही करेंगे इसको? 1 सेकंड कर देंगे सर। इसको इसको जो यहाँ पे ये 8 सेकंड तक ये वेट कर रहा है, उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं 6 सेकंड। देखो ग्रीन वाला एक्टिव है इस टाइम, जब तक ग्रीन वाला एक्टिव रहेगा तब तक क्या होगा, आपका एक साथ चलता रहेगा। अगर आप बीच में रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तुरंत उसको फिर से दोबारा ग्रीन वाले को क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक, समझ गए? चलो अब नेक्स्ट और आगे क्या दिया, यूजिंग कीबोर्ड कीज, ठीक है। अब कीबोर्ड की कीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या है। चलो इसको कौन पढ़ेगा, कौन वाला सर? यूजिंग द कीबोर्ड कीज, बोलो। स्केच करते हैं, सम ब्लॉक्स इन स्केच रन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कीज। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे, ये जो देखो ये जो आपकी ये सब कमांड्स है ना बेटा, इनको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखो जैसे ये फॉरएवर वगैरह है ना, फॉरएवर है, रिपीट है, तो ये सब आप क्या करेंगे, ये सब मतलब लगाते, देखो इनके बीच में गैप दिया हुआ है ना, अगर जो चीज आप बार बार रिपीट कराना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे बीच में लाके लगा देंगे, ठीक है, ये चीज पर चलते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं कि अब ये जो इस तरह के ब्लॉक्स हैं, कुछ ऐसे भी ब्लॉक्स होते हैं जो कि कीबोर्ड की हेल्प से ही काम करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, आगे पढ़ो। द विन की रोड बैक रन एन एक्शन वन द कीबोर्ड की इस प्रो द कीबोर्ड की कैन सेलेक्ट फ्रॉम द ड्यू डन राउट इनसाइड द बैक। कैसे पढ़ रहे हो जी, लग ही नहीं रहा क्लास फिफ्थ का बच्चा पढ़ रहा है। और ऐसे पढ़ते हैं, द कीबोर्ड की कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो इनसाइड द ब्लॉक, समझे। और आगे हेलो सर,
सर काम पे सर कह रहे हम कह रहे हैं आप लोग से पढ़ने के लिए तो आप लोग मुझे ही खोज रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए। चलो हम ही पढ़ते हैं ठीक है आगे देखो। द ब्लॉक प्लेस्ड आफ्टर दिस ब्लॉक ओनली एग्जीक्यूट वंस द सिलेक्टेड की इज प्रेस्ड। लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन स्केच यूजिंग कीबोर्ड कीज। अब एक नया हम लोग स्केच बनाते हैं, एक काम करते हैं इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो यहाँ से आते हैं इसको हम लोग सेव कर देते हैं क्लास 5 के नाम से ठीक है। सेव कर दें, चलो इसको डेस्कटॉप पर नहीं डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं क्लास 5 ERO-JEE। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब हम लोग एक कीबोर्ड वाला बनाएंगे फटाफट से ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया, तो इसको यहाँ से अब ले रहे हैं न्यू ले लिए आ गया ना। अब हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से नया स्केच बनाएंगे ठीक है, नया स्केच प्रोग्राम बनाएंगे ठीक है। ओपन न्यू प्रोजेक्ट इन स्केच एंड डिलीट द कैट स्प्राइट फ्रॉम दिस पेज। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये कैट हर बार आपके सामने आ जाएगी जब भी आप नया बनाने जाएंगे ना। ओपन करेंगे तो ये कैट अपने आप आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक और यहाँ से क्या लेंगे, डिलीट कर देंगे ठीक है। अब चलो फिर दूसरे नंबर क्या करें, एड अ बीच बॉल स्पाइक ऑन द स्टेज एज सोन इन फिगर। चलो अब बताओ सर, हम इस बार नहीं बताएंगे कि नया स्पाइक कहाँ से आएगा। सर एल्बम से नीचे ये नो सर कौन सा ये नो सर इधर से क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है इधर से नहीं फ्रॉम लाइब्रेरी। तो कहाँ से लेना पड़ेगा, लाइब्रेरी यहीं से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हमको स्पाइक लेना है तो हम यहीं से लेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड जैसे घर वाला बैकग्राउंड अगर वो लेना है तो फिर आपको यहाँ पे जाना है, समझ रहे हो, याद रखो। तो अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको स्प्राइट लेना है ना, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। क्या लेना है हम लोग को बेटा, इसमें बीच बॉल कहाँ है, ये बीच बॉल कहाँ है, बीच बॉल देखो 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 सही है, ये इस पे क्लिक करेंगे और सिंपल क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे यहाँ से ओके ओके। चलो अब देखो अब क्या कह रहा है, अभी क्या बेटा बॉल की साइज बड़ी नहीं है, बॉल की साइज बड़ी अभी सब बताएंगे, परेशान ना हो ठीक है। देखो अब इसमें देखो क्या हुआ है, अभी हमने बॉल वाला सेलेक्ट कर लिया और अब ये बताइए, जब हम लोगों ने इससे पहले वाला स्प्राइट लगाया था तो उसमें आप लोगों ने क्या दिखा था, जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तब चलेगा, ये याद है कि नहीं। हम लोग वही वाला लगाया था ना, जब क्लिक करेंगे तभी चलेगा, मगर इस बार हम लोग क्या करेंगे देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोग लेंगे जब हम लोग स्पेस बटन दबाएंगे तब ये एक्टिव हो जाएगा, तब ये काम करेगा। क्या करना है इसको, मोशन पे आ जाते हैं, देखो क्या लगा हुआ है इसमें, मूव 50 स्टेप्स, यहाँ से क्या दिया हुआ 10 स्टेप दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे करेंगे सही, यहाँ से ले लेते हैं 50, हो गया ना। यस सर ठीक। नेक्स्ट टर्न 15 डिग्री, चलो ये भी लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, ये तो बहुत आसान वाला है, 15 डिग्री 15 डिग्री हो जाता है तो क्या करना है इसको, बाउंस कर जाए वापस जाने लगे ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, इफ बॉल साउंड इफ 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 आप लोग नहीं दिख रहा है, मुझे नीचे कर दिया, नीचे दिखा ए फोन एज बाउंस ठीक है, अगर वो किनारे पहुंच जाए तो वापस घूम जाए फिर ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखो, हम देखो फिर से आ जाते हैं इवेंट में, यहाँ से कह रहे हैं व्हेन व्हेन loudness
हैं तो जब हम इसे आप देखो स्पेस हटा दे रहे हैं यहाँ से, स्पेस हटाने के बाद यहाँ से क्या लेना है, ए लेना है। हमने क्या किया यहाँ से एरो बटन पे क्लिक किया और यहाँ से ए ले लिया, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद ए ले लिया, बहुत सिंपल है ना। अब क्या कर रहे हैं देखो, इन्होंने लिखा हुआ है चेंज कलर इफेक्ट बाई 25 सेकंड। तो देखो यहाँ से आ जाते हैं लोग, कलर चेंज करना है तो कहाँ दिया हुआ है कलर, कलर कलर नहीं दिखा। नो सर, यस सर, चेंज यस सर, गया इफेक्ट। और कौन सा कलर लेना है, तो यहाँ से कलर हम लोग ले लेंगे गोस्ट, सॉरी ये लेना है। Yes, ले लिया इसको 25 की जगह हम लोग इसको कर दे रहे हैं 15 सेकंड कर रहे हैं, ठीक। एक और ले लेते हैं, इसके बाद क्या करना है इसको, एक देखो ये फिर से नया लगा रहे हैं, फिर से हम यहाँ से ले लेते हैं। जब हम यहाँ से क्या करें, ए के बाद हम ले लेते हैं बी, बी बटन ले लेते हैं, बी कहीं दिख रहा है क्या, बी बटन हम लोग दबाएंगे तो ये क्या करे, ये साइज बड़ा कर लेते, कैसे होगा ये साइज बाई, देखो 10 ये 10% करेगा, अब इसको हम कर ले रहे हैं 25% और बड़ी हो जाए, तो ये हो गया 25, ठीक। अब देखो अब इसमें एक लास्ट दिया हुआ है कि हम लोग इसमें एक साउंड लगाएंगे, तो साउंड अभी प्ले नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं, तो कोई दूसरी साउंड प्ले ही नहीं होती इसमें, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग एक काम करते हैं, लगा के देख लेते हैं, और साउंड कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा, ये साउंड वाले में जाएंगे तो साउंड मिलेगा, ठीक है। साउंड आपकी चाहिए देखो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, अभी तो फिलहाल हमने पॉप ही ले लिया, ठीक है। अब क्या करें, पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रीन वाले पे क्लिक करते थे, तो जब ग्रीन पे क्लिक कर रहे हैं कुछ हो रहा है क्या? No, sir. कब ये काम करेगा, जब हम लोग स्पेस दबाएंगे, क्या दबाएंगे, स्पेस। तो चलो अब हम अपने कीबोर्ड से स्पेस दबाते, देखो स्पेस दबाए ना, yes, sir. देखो एक बार स्पेस दबाए तो क्या हो रहा है, आगे आ गया, फिर स्पेस दबाए तो 15 डिग्री चला गया, अब देखो फिर आगे गया, फिर आगे गया, अब देखो एज पे पहुंचा ना एकदम किनारे पे, अब देखो फिर वापस जाने लगा कि नहीं, स्पेस दबाने देखो वापस जा रहा, फिर देखो किनारे पहुंचा फिर घूम गया, फिर किनारे पहुंचा फिर घूम गया, देख रहे हो, ठीक। तो ऐसे घूमता रहेगा ये, हाँ जितनी बार हम देखो स्पेस हम जितनी बार दबाएंगे ना उतनी बार ये आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम चाहते थे कि ये वाले जो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे ये मूव करे, टर्न करे और एज पे जाए तो बाउंस करे, ये बार बार यही काम होता रहे, तो अब देखो याद आया तुम लोगों को हम अभी एक चीज बता रहे थे कि बेटा ये रिपीट के लिए होता है, तो ये जैसे हमने क्या ले लिया, ये रिपीट ले लिया, रिपीट हम इसको ले जा करके इसके बीच में यहाँ पे लगा दें, देखो ये लगाए तब अपने आप सेट हो गया, यस सर। अब देखते हैं क्या होता है, अब स्पेस दबाते हैं एक बार क्या होता है, कितने सेकंड के लगाए हम लोगों ने, हम लोग लगा दे रहे हैं इसको 100 टाइम्स लगा दे रहे हैं, कितनी बार रिपीट करना है, 100 बार करना, और एक बार स्पेस दबाए देखो, अरे यस सर, घूमने घूमने लगा, ठीक सैंडविच हो गया क्या, हाँ 100 टाइम हो गया, वो इतनी तेजी से करता है तुमको पता ही नहीं चलेगा, 100 हो गया। असल में देखो होता क्या बेटा, जैसे अब मान लो हम यहाँ से इसको रिपीट हटा दे रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स क्या होता है, हमेशा, ठीक हमेशा, फॉरएवर लगा दिए और यहाँ से हम लगा दे रहे हैं मोशन, इसको हम लोग कर रहे हैं मूव, कितना 25 स्टेप्स, ठीक है, और इसी में हम लोग कर दे रहे हैं कि ये 15 डिग्री के बजाय 30 डिग्री घूम जाए, 30 हो गया, एक और लगा देते हैं यहाँ पे कि अगर ये किसी एज पे पहुंचे तो वहां से वापस घूम जाए, तो उसके लिए यहाँ से ले लेते हैं, या तो चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, अराउंड ले लेते हैं, इस पे क्लिक करके उसको भी लगा देते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर हमने लगा दिया, देखो जैसे ही हम लोग स्पेस लेते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो, अरे
अब ये घूमता ही रहेगा, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है। Yes, sir. टाइमर चल रहा है। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ऑल अराउंड लगाया है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, डाउन रोटेट, ये क्या हो जाएगा। अब इसको फिर से हम एक बार स्पेस दबाएंगे, ये रुकेगा, फिर एक बार स्पेस दबाएंगे, फिर चलेगा। ठीक है सर, इसमें आपकी बार घर और वाला नहीं बना था। क्या हो रहा है सर? घर वाला जो पिछली बार बनाए थे, घर वाला सर बनाए नहीं थे, घर बनाए थे सर, मैसेज जा रहा था वो वाला। हाँ चलो, उसको लग रहा है मैं भूल गया। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, स्पेस दबाने पे ये हो रहा है। अगर हम ए दबाएंगे क्या होगा, देखो हम ए दबा रहे हैं, ए दबाने से क्या हो गया, घोस्ट इफेक्ट आ गया ना। देखो जितनी बार दबाते जा रहे हैं उतना ही और क्या हो रहा है, हल्का होता जा रहा है। ठीक है, ठीक। अब चलो और आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, बी दबाएंगे अगर तो क्या होगा, देखो बी दबाते हैं, बी दबाने पे क्या होना चाहिए, इज द साइज 25%, बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर स्पेस दोबारा दबाएंगे तो साउंड प्ले करेगा। अभी देखो ये वाला स्पेस है ना, अभी हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ये वाला को डिलीट कर दी। अब अगर स्पेस दबाएंगे तो, अब देखो हमने क्या बताया था कि आपको आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि हम लोग जूम पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमको आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग अगर जूम पे अगर नहीं होते, अगर हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैब में बैठ करके अगर यही प्रैक्टिकल कर रहे होते तो जो भी हम लोग आवाज लगाएंगे ना, वो आवाज आपको सुनाई देगी और मुझे भी सुनाई देगी अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, दो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया ना, एक कीबोर्ड वाला और एक कौन सा बनाया, अब देखो पेज नंबर 98 पे आ जाओ। 98, yes, sir. नंबर 98 पे देखो, ये एक लड़का है जो कि डांस करेगा, लग रहा है ना कुछ डांस वांस करने वाली लाइट जल रही ऊपर से, दिख रहा है। yes, sir. नेक्स्ट टाइम पे यही बनाएंगे हम लोग, देखते हैं डांस करेगा कि नहीं करेगा। yes, sir. ठीक है, देखते हैं कैसे नाचता। ठीक है, आज के एंड किया जाए आज की क्लास। yes, sir. मजा आया। yes, sir. नेक्स्ट टाइम तो अब आप लोग को और मजा आएगा, फिर इसी में दिखाएंगे कि कैसे क्लास वास चल रही है, क्या हो रहा है, फिर हम लोग छोटा सा कार्टून भी इसी में बना सकते हैं ना। yes, sir. अगर कोई कार्टून बनाना है जैसे टॉम एंड जेरी वाला, आप लोग देखे ना कि कैसे टॉम एंड जेरी वाला भी बन सकता है इसी तरह से। yes, sir. ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही एंड करते हैं इतने पे अपनी क्लास। अगर आपको जो भी डाउट होगी इन दोनों पेजेस से तो वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी इसके बाद कितना छात्र आपका रह जा रहा है? 8, 9, 10 बस एक छात्र और बचा हुआ है ना। यस सर, 1 चैप्टर बचा है, 9 बस इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग एंड करते हैं आज की क्लास। यस सर, और आप लोग का टेस्ट का रिजल्ट भी आने वाला है क्या? Yes, sir. चलो देखते हैं इस बार आपकी क्लास में कौन सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। ठीक है, yes, sir. एंड करते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर, वेलकम बेटा।